मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस चीज़ को ना गोपालगंज से लोग बाहर जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो चीज़ अगर हम यहाँ लाके दे रहे हैं तो पहली बार हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं वो सब सीखेंगे कि एक मंच पे काम कैसे हम करेंगे, उस चीज़ को सीखने की ये हमारी पहली कोशिश है हमारी। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना वोट। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं आप इन्हें शिवम सिंह जी के नाम से जानते हैं। गोपालगंज में एक बहुत बड़ा ब्यूटी सलून चलाते हैं, ग्रूम्ड बाई शिवम। गोपालगंज में एक बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसे फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम से आप सब अभी जान रहे होंगे, चारों तरफ चर्चा भी है। इस कार्यक्रम के लिए खास बातचीत करेंगे, मेरे साथ शिवम सिंह मौजूद हैं। शिवम जी स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना वोट के चैनल के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चारों तरफ चर्चा है, एक बहुत बड़े पैमाने पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ये गोपालगंज में पहली बार हो रहा है? देखिए, जो हमारा ये ग्लोबल गोपालगंज 2023 का ये मेकअप कॉन्टेस्ट और फैशन शो है, ये बेसिकली गोपालगंज के लिए बहुत न्यू कंटेंट है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है गोपालगंज में ऐसा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है इतने बड़े पैमाने पे, जहाँ बहुत सारी हस्तियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं और ये जो हम लोग चीज़ कर रहे हैं पूरे मान लीजिए कि सारण लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट भी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम एक ऐसा मंच दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शो करें, जो कि एक रूरल ग्राउंड में बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो हमारा मेन मोटो यही है। किस तारीख को ये कार्यक्रम है और किस जगह? देखिए, ये जो कार्यक्रम का डेट है हमारा वो 6 अगस्त को है, जो कि अम्बेडकर भवन में होने वाला है गोपालगंज के। खूब चर्चा है कि फिल्म अभिनेत्रियां भी पहुंच रही हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुंच रहे हैं, पूरी बात क्या है पब्लिक को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो फिल्म अभिनेत्रियों की बात है तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे नामचीन चेहरा है वो अंजना सिंह जी हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आ रही हैं। देन उसके बाद से महुआ फेम, महुआ जो भी चैनल उसकी फेम सिंगर हैं जो हमारे लोकगीत को दर्शाती हैं, अलका सिंह पहाड़िया, और उनके साथ उनके पति मनोहर जी भी आ रहे हैं। देन उसके बाद से बॉलीवुड एक्टर जो आ रही हैं हमारी अरुणा गिरी जी और एमके पांडे सर, और जो हमारे अर्बन क्लब की हेड हैं वो आ रही हैं मितुल सिन्हा। ये हमारे सारे चीफ गेस्ट और जूरी मेंबर हैं। शिवम जी, जब भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, जो लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहें आपके इस कार्यक्रम में वो कैसे कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है? देखिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तो एक हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका एक लिटिल बिट अमाउंट आपको जमा करना होगा, जिसमें आपको सारे प्रोटोकॉल्स बताए जाएंगे कि ऐसे आपको ये चीज़ें करनी है, जिसमें आपको मॉडल्स के ऊपर एक लुक तैयार करके दिखाना है और वो मॉडल आपका रैम्प वॉक करेगी, जिसके अकॉर्डिंग आपके जो भी मेकअप हैं, जो भी अटायर है, उस पर आपको नंबरिंग, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डिज़ाइनर, बेस्ट लुक के लिए अवार्ड दिया जाएगा। तो बेसिकली है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसकी वजह से आपका नाम हमारे रजिस्टर्ड कंटेंट रूप में ऐड हो जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम अक्सर दिल्ली, मुंबई, पटना जैसे शहरों में हुआ करते थे, आपको ये क्यों लगा कि गोपालगंज में ये करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूँगा, बहुत छोटी बात बोलूँगा, मैं इस यहाँ से हूँ तो यहाँ के होने के नाते मेरा सबसे पहला मोटो होता है कि मैं अपनी जगह को वो चीज़ दूँ जहाँ पे उस चीज़ को नीड है। हम बोलते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा, बहुत लोग बोलते हैं कि एक रूरल ग्राउंड है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत छोटा जगह है गोपालगंज। छोटा इसलिए क्योंकि हमने इसे छोटा बना के रखा है। अगर ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसी ऐसी नई चीज़ें, एक नयापन अगर हम अपने ज़िले में लाएंगे, अपने घर के लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो वो ऑफकोर्स वो चीज़ें थोड़ा सा एजुकेट करेगा लोगों को, एक नई तकनीक दिखाएगा। तो जो चीज़ें हैं इसी चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अपनी चीज़ों को ग्रो करने के लिए, अपने लेवल को ग्रो करने के लिए, अपने ग्राउंड के लोगों को इस चीज़ का नॉलेज देने के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। शिवम सिंह अपनी बात कह रहे थे कि गोपालगंज को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस फील्ड में, इसलिए इन्होंने गोपालगंज को चुना। फिल्म अभिनेत्री अंजना सिंह के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुँच रहे हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पर और भी फीमेल्स हैं जो यहाँ ग्रूम बाई शिवम की मेम्बर्स भी हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। साथ और भी यहाँ फीमेल्स हैं जो ग्रूम बाई शिवम की मेंबर हैं, आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ एक मैम है। मैम, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है गोपालगंज में, क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम को मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को मौका मिला है इस कार्यक्रम में भाग लेने का। पहले जो चीज़ें बाहर होती थी, दिल्ली, मुंबई, पटना, अब गोपालगंज हो रही हैं, यहाँ और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। मैम, इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे?
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जो कार्यक्रम बाहर हम लोग को सुनने को मिलता वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। मतलब एक तरह से गर्व हो रहा है जी। और भी लोग हैं मैम, क्या कहेंगी गोपालगंज में जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है, कितनी एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस चीज़ को ना गोपालगंज से लोग बाहर जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, वो चीज़ अगर हम यहाँ लाके दे रहे हैं तो पहली बार हमारे यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं वो सब सीखेंगे कि एक मंच पे काम कैसे हम करेंगे। उस चीज़ को सीखने की ये हमारी पहली कोशिश है हमारी टीम की, जो मुझे तो लग रहा है ये बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाला है और बहुत अच्छा जाएगा। एक ये भी मौका हो जाता है कि बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, उनसे भी मिलने का और हम बहुत कुछ सीखेंगे इस चीज़ में। नया है तो हमें सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं एक्साइटेड हैं, पीछे जो भी लोग हैं ये भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। मैम आप क्या कहेंगी कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड हैं? बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, गोपालगंज ऐसे ही एक्साइटेड रहे, खूब आगे बढ़े और शिवम सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होने जा रहा है तो गोपालगंज निश्चित ही आगे बढ़ेगा। और 6 अगस्त 2023 को आप अंबेडकर भवन पहुँचें और इस शानदार कार्यक्रम का आनंद लें। नमस्कार, धन्यवाद।